सौराष्ट्र, गुजरात। वैसे तो भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उसमें से जो प्रमुख और पहला ज्योतिर्लिंग है वो गुजरात में है और 4 धामों में से एक धाम गुजरात में है। नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। मेरा नाम है शशांक सोनी और मैं इस वीडियो में आप लोगों को सौराष्ट्र गुजरात की 3 दिन की कंप्लीट आइटिनरी बताने वाला हूँ, जिसमें द्वारका, बेट द्वारका, नागेश्वर, सोमनाथ ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहेंगी। और आप लोग इस 3 दिन की आइटिनरी में गिर नेशनल पार्क जो सासन गिर में आता है और जैन तीर्थ गिरनार पर्वत आप लोग कैसे इंक्लूड करें वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो आप लोगों को इस वीडियो में देखने मिलेगा ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन, फूड कॉस्ट, टिकट प्राइजेस, टाइमिंग्स, बेस्ट टाइम टू विजिट, थिंग्स टू कैरी और मस्ट विजिटेड प्लेसेस, और ये सारी चीज़ें मैं बजट में बताने वाला हूँ। सो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए कंप्लीट आइटिनरी और बजट ट्रिप के लिए। सो हम लोग अपनी जर्नी शुरू करेंगे द्वारका से। अभी बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। अगर आप लोग ट्रेन से आना चाह रहे हैं तो द्वारका में रेलवे स्टेशन मौजूद है। आप लोगों को मैक्सिमम सिटीज से द्वारका के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। जैसे मुंबई और दिल्ली से मैं आप लोगों को बता देता हूँ तो डायरेक्ट ट्रेन की अवेलेबिलिटी है यहाँ से। अगर आप लोग फ्लाइट से आना चाह रहे हैं तो द्वारका में एयरपोर्ट नहीं है। द्वारका के पास नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है वो जामनगर में है, जो कुछ 110 किलोमीटर है द्वारका से। आप लोग फ्लाइट से वहाँ तक आ सकते हैं, फिर आप लोग वहाँ से बस ले सकते हैं। और अगर आप लोग बस से आना चाह रहे हैं अहमदाबाद से, गांधीनगर से, सूरत से, राजकोट से, डायरेक्ट बस की फैसिलिटी मौजूद है। इसके बाद बात कर लेते हैं अकोमोडेशन की। तो आप लोगों को द्वारका में काफ़ी टाइप के अकोमोडेशन मिलेंगे, बजट से लेके लग्जरी तक। अगर आप लोग बजट प्रेफर कर रहे हैं तो आप लोग मंदिर के पास ही लीजिए, 1000 से 1200 रुपये में आप लोगों को रूम मिल जाएगा। काफ़ी होटल के ऑप्शन अवेलेबल हैं मंदिर के पास, और अगर आप लोग लग्जरी होटल देखना चाह रहे हैं तो 3 से 4 हज़ार में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले दिन की आइटिनरी से। तो सबसे पहले आप लोग जाइए द्वारकाधीश मंदिर, और मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप सुबह सुबह जाके दर्शन कर लीजिए। मंदिर की टाइमिंग बता देता हूँ, सुबह 6:30 बजे से मंदिर स्टार्ट हो जाता है जो 1 बजे तक चालू रहता है, 1 से 5 तक मंदिर बंद रहता है, फिर 5 से आपको 9:30 बजे तक दर्शन हो जाएंगे। तो आप लोग सुबह सुबह दर्शन कर लीजिए, वहाँ पर भीड़ कम रहती है। सुबह दर्शन करने के बाद आप लोग जाइए गोमती घाट। गोमती घाट में आप लोग थोड़ा टाइम स्पेंड करिए। गोमती घाट से आप लोग जा सकते हैं सुदामा सेतु, जो मंदिर के जस्ट बाजू में ही है। अगर आप लोग होटल वहीं पर ले रहे हैं तो आपके होटल के सामने ही रहेगा सुदामा सेतु। के बाद आप लोग रुक्मिणी देवी मंदिर चले जाइए। रुक्मिणी देवी मंदिर जो है वो द्वारकाधीश मंदिर से कुछ 3 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। तो आप लोगों को लोकल में ऑटो भी आप लोग प्रेफर कर सकते हैं। अगर आप लोग पूरे दिन का ऑटो करना चाह रहे हैं तो 1000 से 1200 रुपये में आप लोगों को पूरे दिन का ऑटो मिल जाएगा, जो आप लोगों को मेन मंदिर घुमा देगा। और अगर आप लोग पर डेस्टिनेशन के हिसाब से देखना चाह रहे हैं तो 50 से 100 रुपये लेते हैं ऑटो वाले और आप लोगों को ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद रुक्मिणी देवी मंदिर जो वहाँ से 3 किलोमीटर है, आप लोग मंदिर का दर्शन करिए। मंदिर के बाद आप लोग जाइए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है और 9वां ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पर आप लोग दर्शन करिए। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के टाइमिंग मैं आप लोगों को बता देता हूँ, तो ये सुबह 6:30 बजे खुल जाता है और 1 बजे तक चालू रहता है। तो आप लोग 1 बजे से पहले ही दर्शन कर लीजिए इनके। और नागेश्वर के पास काफ़ी ऑप्शन है खाने के लिए, आप लोग वहाँ भी अपना खाना खा सकते हैं। अगर मैं फूड कॉस्ट की बात करूँ तो आप लोगों को पर मील पर पर्सन का 100 से 200 रुपए में खाना मिल जाएगा। काफ़ी बढ़िया बढ़िया ऑप्शन है। आप लोगों को गुजराती खाना पसंद है तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा गुजराती खाना खाने को वहाँ पर मिलेगा। फिर उसके बाद नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद आप लोग वहाँ से निकलिए और बेट द्वारका के लिए आप जा सकते हैं। बेट द्वारका जाने के लिए आप लोगों को फेरी लेनी पड़ेगी, जो उसका ब्रिज है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। फेरी जो है वो ओखा करके जगह है, वहाँ से आपको फेरी लेनी पड़ेगी। तो ओखा टर्मिनल नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से कुछ 18 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आपको 30-35 मिनट लगेंगे। आप लोग वहाँ से फेरी ले सकते हैं, फेरी का आपको 20-30 रुपये कॉस्ट पड़ेगा। फेरी लेने के बाद आप लोग इन्जॉय करिए, बहुत ही अमेजिंग जर्नी है ये, बहुत ही मज़ा आता है और बच्चों को खासकर ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आप लोग बेट द्वारका पहुँचने के बाद तो सबसे पहले आप लोग दर्शन करिए द्वारकाधीश टेम्पल के। ऐसा बोला जाता है कि कृष्ण भगवान का जो घर था वो बेट द्वारका था और उनका जो ऑफिस है वो द्वारकाधीश था। कोशिश करिए कि आप लोग अंधेरे होने से पहले वापस आ जाएँ। सो आप लोगों का पहला दिन यही ख़त्म होता है और आप लोग होटल में आके रेस्ट करिए। Day 2, अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है सोमनाथ। मॉर्निंग में आप लोग बस ले सकते हैं द्वारका से सोमनाथ, जिसमें आप लोगों को 4 से 5 घंटे लगेंगे पहुंचने में।
तो आप लोग सोमनाथ पहुंचते से ही वहां पर एक होटल ले लीजिए। सोमनाथ में भी काफ़ी ऑप्शंस हैं होटल के, बजट होटल आपको 1000-1500 रुपये में मिल जाएगा। तो आप लोग वहां पर होटल में चेक इन करिए। होटल में चेक इन करने के बाद सबसे पहले आप लोग दर्शन कर लीजिए सोमनाथ मंदिर के, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और जो सबसे प्रमुख और पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। सोमनाथ मंदिर का टाइमिंग आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मंदिर में आप लोग कुछ भी चीज़ अंदर नहीं ले जा सकते, मोबाइल सेलफोन कुछ भी ऐसा अलाउड नहीं है। तो आप लोगों को बाहर लॉकर की फैसिलिटी मिलेगी सोमनाथ मंदिर के द्वारा, और आप लोगों को प्राइवेट लॉकर्स भी बाहर मिलेगा तो सेफ रहता है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आप लोग अंदर जाइए और दर्शन कर लीजिए। मंदिर के दर्शन करने के बाद आप लोग जाइए त्रिवेणी घाट। अगर आप लोगों को पूरा दिन का ऑटो करना है तो आप लोग 1000-1200 रुपये में ऑटो भी ले सकते हैं, जो आपको सारी जगह घुमा देगा। हम लोगों ने भी ऑटो ही प्रेफर किया था यहाँ पर। त्रिवेणी घाट संगम के बाद आप लोग जाइए श्री कृष्ण गोकुल धाम तीर्थ, वहाँ पर आप लोगों को मंदिर देखने मिलेगा और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है अंदर। तो वहाँ पर आप लोग टाइम स्पेंड करिए आराम से, और शाम को आप लोग जाइए वहाँ से सोमनाथ बीच। शाम को बीच इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शाम को आपको अच्छा लगेगा, अगर आप लोग फैमिली के साथ बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पर आप लोग कैमल राइड भी कर सकते हैं। बीच के बाद आप लोग जाइए मंदिर में लाइट शो देखने के लिए। बीच जो है वो मंदिर के पीछे ही है, तो वॉकिंग डिस्टेंस रहेगा मंदिर से बीच तक का। आप लोग जाइए लाइट शो अटेंड करिए, रात को 8 से 9 होता है। कोशिश करिए कि आप 6-6:30 बजे वहाँ चले जाएं क्योंकि काफ़ी भीड़ रहती है वहाँ पर। लाइट शो अटेंड करने के बाद आप लोग जाइए होटल, रेस्ट करिए। डे 3, आज हम लोग निकलेंगे सोमनाथ से गिर। आप लोग सुबह की बस ले सकते हैं, सुबह 7 बजे की एक बस चलती है GSRTC की। आप लोग GSRTC की वेबसाइट पे देख सकते हैं, बस की अच्छी कनेक्टिविटी है, 1 घंटा ही लगता है सोमनाथ से गिर जाने में। तो आप लोग सुबह 7 बजे की बस ले लीजिए, 8:15 तक आप लोग गिर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर 3 स्लॉट हैं, एक 6:30 बजे वाला स्लॉट है 6:30 से 9:30, 3 घंटे का, फिर एक 9:30 से 12:30, एंड देन यू हैव 3 से 6 का स्लॉट। नो प्लास्टिक जोन है, सो यहाँ पर एक स्टील बॉटल यू विल गेट। अगर आप लोगों को पानी खुद का लेके आना है बिस्लेरी, तो आप लोग ला के उसमें डाल सकते हैं। एंड अभी हम लोग सफारी स्टार्ट करने वाले हैं, पहले यहाँ पर परमिट लेना पड़ता है। सो 1000 रुपये का परमिट होता है, 2400 रुपये जो गाइड है वो लेता है, सो इट इज़ अराउंड 3500। अगर आप लोग इफ़ यू आर बुकिंग फ्रॉम अ गवर्नमेंट वेबसाइट देन यू हैव टू पे 3500, और अगर प्राइवेट से करते हैं तो 4500 रुपये देना पड़ेगा। आई विल मैंशन द वेबसाइट हेयर ऑन द स्क्रीन ऑल्सो एंड डिस्क्रिप्शन ऑल्सो, सो आप लोग उससे बुक करिए, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि विच वेबसाइट इज़ ओरिजिनल गवर्नमेंट वेबसाइट। सो आप लोग इस वेबसाइट से बुक करिए, और आप लोग रूम भी बुक कर सकते हैं इफ़ यू वॉन्टेड। तो आप लोग सुबह 9:30 बजे वाला सफारी ले लीजिए, 9:30 से 12:30 तक आप सफारी करिए। 12:30 तक सफारी करके आप लोग निकल जाइए वहाँ से जूनागढ़ गिरनार। गिर शासन से आप लोग जब जूनागढ़ जाएंगे तो आपको 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। आप लोगों को वहाँ से GSRTC की बस मिल जाएगी गिर शासन से जूनागढ़ के लिए। आप लोग दोपहर में निकल जाइए, लंच करने के बाद आप लोग 3 बजे तक गिरनार पहुँच जाएंगे। गिरनार पहुँचने के बाद आप लोग गिरनार की टिकट प्री बुक कर लीजिए। सबसे पहली चीज़ जो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, गिर नेशनल पार्क, इन सब की टिकट्स आप लोग प्रायर बुक करिए, क्योंकि टिकट्स अवेलेबल नहीं रहती हैं। बाकी मैं वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से टिकट्स कर सकते हैं। गिरनार पहुंचने के बाद वहां पर रोपवे की टिकट ले लीजिए, रोपवे से ऊपर जाके आप लोग दर्शन कर लीजिए अम्बे माँ के। वहां पर जैन तीर्थ भी है जो 1000 स्टेप्स नीचे उतर के आता है, अगर आप लोग रोपवे से जा रहे हैं तो। अगर आप लोग स्टेयर्स से जाना चाह रहे हैं तो 10000 स्टेप्स हैं वहाँ पर। फिर आप लोग वहाँ पर ऊपर दर्शन करके शाम तक नीचे वापस आ जाइए। अगर आप लोगों का फ्लाइट या ट्रेन राजकोट या जामनगर से है तो आप लोग रात को ही राजकोट निकल जाइए। 2 से 2.5 घंटे लगेंगे राजकोट जाने के लिए, 3-3.5 घंटे लगेंगे जामनगर जाने के लिए। वहाँ से आप लोग आपके जो होम डेस्टिनेशन है वहाँ की ट्रेन या फ्लाइट ले सकते हैं। सो गाइज, मैंने द्वारका, बेट द्वारका, सोमनाथ, नागेश्वर, गिर नेशनल पार्क, इनकी डिटेल वीडियो बनाए हुए हैं। अगर आप लोगों को वो वीडियो देखना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप लोग डिटेल में ये वीडियो देख लीजिएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जो भी आपका रिलेटिव या फ्रेंड ये ट्रिप कर रहा है उनसे ये आइटिनरी ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं दूसरे डेस्टिनेशन पे। बाय बाय एंड टेक।